नमस्कार, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। देखिए बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में मदरसों से लेकर बड़ी खबर है। क्या खबर है? खबर यह है कि देखिए पहले तो यूपी में मदरसों के सर्वे हुए, फिर उसके बाद जो मदरसों का नवीनीकरण करने के नाम पर उनको मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ा जा रहा है। और अब खबर ये आ रही है कि पहले तो उन्होंने सर्वे किया फिर मॉडर्न बनाया, अब खबर ये आ रही है कि मदरसों को, उत्तर प्रदेश के मदरसों को 1-1 लाख रुपए देके योगी सरकार द्वारा दिए जाएंगे। अब ये तो देखिए साफ ये दोहरा चरित्र हो गया यूपी सरकार का, योगी आदित्यनाथ का, जब वो बोलते हैं कि मदरसों पर हम लगाम लगाएंगे, मदरसों को मॉडर्न करेंगे, जो उनके मदरसों में जो पढ़ाई चल रही है उसको हम मॉडर्न करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर तो मॉडर्न होगा लेकिन जो पढ़ाई चल रही है उस पर भी देखिए हम रेगुलेशन लगाएंगे। अब उसके बाद फिर देखिए कि हिंदू राष्ट्र वाला उनका बयान आता था योगी आदित्यनाथ का, जब वो बोलते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र। उसके बाद अब मुस्लिम तुष्टिकरण की जो राजनीति अब भाजपा जो कर रही है वो साफ दिख रही है, और दोहरा चरित्र जो है योगी आदित्यनाथ का भाजपा का वो साफ दिख रहा है, जब वो बोलते हैं कि मदरसों को हम 1 लाख रुपए देंगे। क्योंकि आप पहले बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, फिर बोलते हैं कि मदरसों को 1 लाख रुपए देंगे, और अगर कांग्रेस कुछ मुसलमानों के लिए करती है या सपा कुछ करती है, सपा कोई ऐसी नीति अपनी सरकार में लाती है या कांग्रेस अपनी सरकार में लाती है, तब देखिए वो बोलते हैं कि मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति होगी। तो ये जो दोहरा चरित्र है वो सामने आ चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या जो यूपी के मुसलमान इस जाल में फंस जाएंगे, क्योंकि मैं तो देखिए इसे जाल ही कहूंगा। 1-1 लाख रुपए देके जो वोट इस तरफ अपने ले लेंगे, 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, 2024 में जो 80 लोकसभा सीट है वो 80-80 पर योगी सरकार सोच रही है कि हम जीतेंगे, और इस 80 को निभाने के लिए, 80 को जीतने के लिए मुस्लिम्स का जो रोल है, मुसलमानों का जो रोल है वो काफी अहम माना जा रहा है पूर्वांचल में। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इस 1 लाख के लालच में मुसलमान अपना हाथ खोलेगा भाजपा के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पॉलिटिकल।